ये देखें इसमें प्याज और जो है ना मिर्चियाँ डाल दी हैं। मसाला जो है ना भुन चुका है, अब दाल भूसा बना कर डाल दिया बकरियों को। टमाटर सब कुछ काट लिया, अब आग जला रही है। यहाँ पर ये देखें जी अमन, आटा इतना कहाँ लेके जा रही हो। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाई, कैसे उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, फूलों की तरह। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, घर में छोटे बड़े सब ठीक हैं। तो चलते हैं व्लॉग की तरह। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल पर जो नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें। और जो बे औलाद हैं अल्लाह ताला उनको नेक वाले औलाद अता फरमाए, और जो बेरोज़गार हैं अल्लाह ताला उनको रोज़गार अता फरमाए, और जो जिनके भी रिश्तेदार अजीज़ वकारब फौत हो चुके हैं अल्लाह ताला उनकी मगफ़िरत फरमाए। तो चलते हैं व्लॉग की तरफ, व्लॉग वैसे भी स्टार्ट है, और अभी जो है ना चलते हैं अमन की तरफ और उससे भी हाल चाल पूछते हैं। और यहाँ पर बच्चे भी खेल रहे हैं गेंद बल्ला, और हमारी जो है ना आज फिर से शाम वाला रूटीन जो है, शाम का व्लॉग जो है ना शुरू हो चुका है। तो रहना है हमारे साथ, वीडियो को फुल वॉच करना है और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है। यहाँ पर ये देखें जी अमन, आटा इतना कहाँ लेके जा रही हो। आटा आगे पहले मिलता नहीं है और आप इतना इतना लेके जा रही हो। अच्छा ये चलो कर रहा है, सुना है तबीयत का बस गुजारा है, कुछ बेहतर नहीं हुई? नहीं, नहीं हुई, बस जिंदा है, बस दिन काट रहे हैं ना काफी है। अल्लाह पाक खैर करे। ऐसे क्यों बोल रही हो? अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, फूलों की तरह। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, घर में छोटे बड़े सब ठीक हैं। जो बे औलाद है अल्लाह ताला उन्होंने एक औलाद अता फरमाया, जो बीमार है अल्लाह ताला उन्हें शिफाए कामला अता फरमाया। आमीन सुम्मा आमीन। एक दुआ के साथ चलते हैं व्लॉग की तरफ, शाम की रूटीन में, क्योंकि अभी जो है हम दवाई लेकर अभी अभी वापस आए हैं, तो बकरियाँ बेचारी भूखी हैं, इनको ये। और ये देखें जी ये हमारा बकरा, ये देखें खुला हुआ है, और इसको जो है ना ये मैं कल में भूसा बना कर रखना है। अच्छा आप तो घास कहीं से लेकर नहीं आए? घास कहाँ से लेके आता, कहाँ से लेके आता, कहीं से लेकर आता, कहीं से कहीं से, अब कहाँ बरसीन खत्म हो गई है, अब कहाँ से लेके आता? मुझसे तो नहीं आता, फिर मैं क्या करूं। और ये रहा जी भूसा, उसको हम तूड़ी बोलते हैं, भू बोलते हैं। और बकरियां ये देखें खड़ी हुई हैं सभी, और अमन जो है ना यहाँ पर ये देखें अभी पानी भर रही है। ये देखें जी ये अलग अलग बनाना है, एक में से वो गिर जाता ना, अच्छी तरह से मिक्स नहीं होता। जब से सोई हूँ ना बकरियों का हाल देखे कैसा हो गया। अभी भूसा बना कर डाल दिया बकरियों को। हाँ जी, तो अब क्या बनाना है शाम के रूटीन? देखते हैं जो अब चीज होगी बनाएंगे। अच्छा मेरे ख्याल में आलू पड़े हैं ना, आलू दाल वगैरह बनाएंगे। अच्छा चला जी, इसको भी जो है ना किचन को जो है ना थोड़ा सा बचा हुआ था चूना वो भी मैं लगा दिया, मैंने लगाया था, कुछ ये साफ सुथरा हो गया, सफ़ेद वाइट वाइट हो गया है, वाइट वाइट। ये देखें जी और यहाँ पर अमन दाल ले आई हो, दाल ले आई हो, दाल बनानी है, कौन सी दाल है? धोती मोरी, मूंगी और मोरी, मूंगी और मसरी की मोरी, जो भी आपको। अच्छा जी चला जी माशाल्लाह, देख के मैं घी डाल दिया, और यहाँ पर प्याज मिर्च टमाटर सब कुछ काट लिया, अब आग जला रही हो। अच्छा जी
मगरिब हो रही है अजान। हाँ जी, अंधेरा आने वाला है। तो ये क्या है, पानी की बोतल? हाँ, वो नहर वाले नलके का पानी है, घर वाले पानी से नहीं बनती ना दाल। अच्छा अच्छा, सही सही। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो नहीं पकती, चने की दाल ये वाले चीजें नहीं बनती अपने पानी से। सही हो गया। और आते हैं उधर से पानी आपके लिए लेके आते हैं बच्चे? हाँ जी, क्योंकि घर का जो पानी है ना वो सही नहीं है पीने के लिए भी, और जो है ना फिर बाहर से जाके लेके आते हैं नहर से, वहाँ पे जो नलका है ना वो पानी मीठा है। घर का भी है लेकिन वो जो है ना फिर जो भी पीता है उसको थोड़ा पेट का मसला हो जाता है। नहीं, ख़राब हो चुका है, पहले सही था लेकिन अब जो है ना ख़राब हो चुका है, इसलिए जो है ना पानी भी भर के लाना पड़ता है उधर से। क्या हुआ, हाथ लगी? तो माशाल्लाह जी रेसिपी भी बन रही है जी। क्या कर रहे थे यहाँ पे, छत निकाल रहे थे? अंडा निकाला है, वो नीचे गिरा दी ना। एक ये है, एक नीचे है। क्या अंडा नीचे पड़ा है? जी। वो नहीं निकाला, अंडा से निकालेगा यहाँ से, इधर से। अच्छा पकड़ो भाई। अच्छा जी, माशाल्लाह जी हमारी मुर्गियाँ भी अंडे दे रही हैं। आपकी है? आपकी मुर्गी है? और किसकी है? ये मुर्गियाँ भी आई हुई देखे, वो काली वाली, ये उनकी जो है ना छोटा सा घर बनाया हुआ है, छत टूट गई है ना, लेकिन फिर भी ये देखें। हाँ जी, अभी ये साके भी आए हैं, ये अंडा निकाल रहा है एक और। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, आके मैं सलाम कर लिया। माशाल्लाह जी, ये जो है गर्म हो चुका है, थोड़े थोड़े क्यों रहा है? मैंने पानी को खुश करके ऐसे ही डाल दिया, पानी जो है ना वो तिड़क रहा है। सही सही हो गया। माशाल्लाह जी घी गर्म हो चुका है, ये देखें, अब इसमें प्याज और जो है ना मिर्चियाँ डाल दी हैं। हाँ जी, अब इनको जो है ना अच्छी तरह भूनने तक का इंतज़ार करते हैं, फिर उसके बाद जो है ना बाकी चीज़ें भी डालेंगे। ये तो रख दें अंदर दराज में। अच्छा, ये अंडा जो साकिब निकाल रहा था, अभी एक और है वो भी निकाल रहा है अभी वहाँ से। किसकी है? जो साकिब अंडा निकाल रहा है उधर से वो उसकी मुर्गी का है। उसी का है? उसकी मुर्गी का, वही उसी की मुर्गी का है। हाँ जी। अच्छा, तो ये वाला जो है वो हफ्सा की मुर्गी का है। अच्छा, ये हफ्सा नन्नी सी मुन्नी सी बहनी, छोटी बहनी भाई। वो आज पूछ रही थी मेरी मुर्गी के अंडे खाते तो नहीं हो, मैंने कहा नहीं खाते। सही है। माशाल्लाह जी प्याज जो है ना वो लाल हो चुके हैं, ये देखे भुन चुके हैं, और यहाँ पर ये दाल जो अहमद ने पहले से भिगोई हुई है उसको धोने हैं, और इसमें जो है ना अभी मसाले दूसरे ऐड करते हैं। ये है जी हल्दी। और ये नमक, ये हो गया नमक, और ये होगी लाल मिर्च। ऐसे ही टमाटर, इसको अभी थोड़ी देर भुनेंगे। हाँ जी, इसके बाद जो है इसको ये जब तैयार हो जाएगा मसाला, फिर इसमें ये दाल ऐड करेंगे, फिर इसको भुनेंगे। इसको भुनने के बाद जो है फिर पानी डालेंगे थोड़ा सा उस दाल को गलने के लिए। तो इंशाल्लाह जो भी हो आगे होगा इंशाल्लाह आप सब बहनों के साथ शेयर करेंगे। हाँ। मसाला जो है ना भुन चुका है, दाल भी धो के जो है ना अमन ने डाल दी है।
इसको अच्छी तरह भुने हैं, फिर उसमें डालेंगे पानी। ये तल लग गया ना नीचे ये साले वाला, वो पानी निकालने रही थी। अच्छा दाल को धो रही थी तो इसलिए तल लग गया। चलें कोई बात नहीं जी, माशाल्लाह दाल भुन चुकी है। हाँ जी। और इसके बाद अब जो है डालना है पानी। हाँ जी, पानी ऐड करना है ताकि ये अच्छी तरह से जो है ना मिक्स हो जाए, ये दाना ना रहे। ये भुनी भुनी दाल नहीं है जैसे भून के बनाते हैं, ये हम बना रहे हैं वो देसी दाल जो गांव में बनाई जाती है अक्सर, मंदने वाली जिसे घोटना बोलते हैं। हाँ जी, घोटने वाली हमारी सराकी में उसे मंदना बोलते हैं। हाँ जी, तो ये भी बन रही है अभी। पानी पूरा पूरा डालना है, गूंदा जा रहा है, गूंदा जा चुका है आटा भी, ये देखें। फिर बनाएंगे रोटियां। इतना सारा पानी डालना है? हाँ जी, ये गल जाएगी ना। अच्छा जी, अच्छे से, इतना ज्यादा नहीं है। सही हो गया, ठीक हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अभी भी हमारी जो है दाल बन रही है, लेकिन जो है अंधेरा हो चुका है और वीडियो जो है ना आगे नहीं बन पाएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है ना हम आप सब बहन भाई के साथ पूरी फुल रेसिपी जो है ना शेयर करेंगे। तो ये था हमारा आज का व्लॉग शाम का, तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।